जयपुर की रहने वाली प्रिया शर्मा, जो सेरिब्रल पैलेसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन में ही व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। हालांकि शहर और राज्य दिव्यांग फ्रेंडली ना होने के चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल वो अपने शहर और राज्य को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिए कैंपेन चला रही हैं। प्रिया के पिता पुजारी और माँ हाउसवाइफ हैं। दिव्यांग बच्ची पैदा होने के बाद उन्हें काफी ताने सुनने को मिले, लेकिन उन लोगों ने हमेशा प्रिया को सपोर्ट किया। प्रिया पढ़ना चाहती थी, लेकिन दिव्यांग होने के चलते उन्हें स्कूल में एडमिशन लेने में काफी परेशानी हुई, लेकिन वो मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ती गई। स्कूलिंग के बाद प्रिया ने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन, मास्टर और नेट क्वालिफाई किया। उन्हें घर से ही पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि स्कूल या कॉलेज में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं थी। प्रिया को फिल्में देखने और घूमने का शौक है, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट पर दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। फिलहाल वो पीएचडी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रही हैं। साल 2017 में उन्हें पहली बार लगा कि दिव्यांगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। 2 महीने के भीतर 1800 से ज्यादा लोगों ने पिटीशन पर साइन किए। प्रिया चाहती हैं कि राजस्थान सरकार सभी सार्वजनिक स्थलों को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए, ताकि वो और उन जैसे लोग अपने सपनों को जी सकें। क्योंकि सच करीब से दिखता है।